तिल भुग्गा। भुग्गा बड़ा फनी नेम है, लेकिन ये डिश सीरियसली बड़ी टेस्टी है। इनफैक्ट पंजाबियों के घर पर सर्दी शुरू होते ही तिल भुग्गा आपको जरूर मिलेगा। लोहड़ी और मकर संक्रांति पे तो डेफिनेटली आपको सर्व करेंगे, लेकिन आपको ना लोहड़ी की ना सर्दियों की वेट करनी है। जिस मौसम में आपको दिल करे उस मौसम में खाइए। क्यों? क्योंकि इसको बनाना बड़ा आसान है, 3 सामग्री से बन जाती है और इसका टेस्ट ऐसा है कि खाते ही आपकी बल्ले बल्ले निकल जाएगी। तो शुरू करते हैं पंजाबी तिल भुग्गा। भुग्गा विद पीएच, भुग्गा। वैसे ये जो भुग्गा है ये एक मिठाई है, मिठाई, और ऐसी मिठाई है जो बच्चे भी बना सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर है जी तिल, और तिल का जो टेस्ट होता है ना भुनने के बाद बहुत ही टेस्टी लगता है। चाहे आप उसे गज्जक की तरह या रेवड़ी की तरह खाइए, या किसी मिठाई के अंदर या फिर खाने के अंदर। तो उसी तिल का हम बनाएंगे भुग्गा। इसे मीडियम आंच पर ही रोस्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, तेज किया ना तो ये जल जाएगा। वैसे तो ये भुग्गा 3 चीजों से बन जाता है। उसके ऊपर आपने बादाम, किशमिश, इलायची, देसी घी जो डालना है वो आपकी श्रद्धा है, पर 3 में हो जाता है बस। अब जो इसकी भुनाई है ना वो कम्प्लीटली से ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ही भुनना होता है। जरा सा टोस्टी फ्लेवर आ गया, इसको हम ठंडा कर लेंगे। तिल ठंडा हो गया, अब इसे पीसेंगे। अब ध्यान देना है जितनी क्वांटिटी तिल की है उसका आधा ही पीसा जाएगा, या बाकी आधा साबुत। क्यों पता चल जाएगा थोड़ी देर में। हो गया जी आधा, हो गया। और ये जो पीस रहे हैं इससे भी पूरा नहीं पीसना, दरदरा पीसना, मतलब मुंह में एक बाइट आनी चाहिए। एक और, ये देखिए ये दरदरा, इसके अंदर ये साबुत तेल, और इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा बचा के रख रहा हूं गार्निश के लिए। अब इसी मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे चीनी और उसे कंप्लीटली पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर हो जानी चाहिए। चलो जी चीनी भी पीस गई, ये देखा। अब चलेंगे हमारे तीसरे इंग्रेडिएंट की तरफ, खोया। खोए को ना सिर्फ थोड़ा सा गर्म करना है कि वो नरम पड़ जाए, बिल्कुल भी किसी हालत में उसे भूनना नहीं है, ब्राउन तो बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज भुग्गा नहीं बनेगा। तो बस जेंटल हीट पे इसे एक बार वार्म करेंगे और उसके बाद भुग्गा हमारा ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट मतलब 99.9% रेडी। अगर कोई गुटली होगी तो इस वक्त निकल जाएगी, इसलिए इसे यूं प्रेस करिए ऐसे। ये देखिए मेल्ट हो गया। अब इसमें जाएगा हमारा खोया। ना जस्ट मिक्स देम टुगेदर, खोया, चीनी और भुना तिल, ये 3 चीजें हैं जो इसमें जाती हैं। वाह क्या खुशबू आ रही है। और अगर आपको चाहिए कि भाई इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हो तो थोड़ा सा उसको भून कर घी के अंदर फिर डालिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। ये देखिए हमारा तिल भुग्गा रेडी। ये जी हमारी मोटी इलायची, इसका अंदर का दाना चाहिए मैं बस। पर अगर आपको मोटी इलायची पसंद नहीं तो हरी इलायची भी इस्तेमाल कर लीजिए, वो भी चलेगी। ऐसे आराम से दरदरा कूटना है, फाइन पाउडर नहीं करना, थोड़ा सा मुंह में आता है अच्छा लगता है। इसे मिला देंगे इसमें मिक्सर साहब, और अब इसे हमें शेप देनी है। अब देखिए मुझसे ना एक छोटी सी गलती हो गई, वो ये कि जो खोया था वो गर्मा गर्म मैंने चीनी के साथ मिला के, आपको वो नहीं करना। खोए को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद उसको चीनी और तिल में मिलाइए। ऐसा करने से क्या होगा, जो शेप है उसकी तिल भुग्गे की वो आराम से बन जाएगी। अब इसको शेप करने के लिए ना हाथ पे हल्का सा घी लगा लीजिए ताकि चिपके ना, और फिर यूं हल्के हाथ से इसे आप गोलाकार या फिर यूं जैसे टिक्की होती है ना बिल्कुल वैसे भी दे सकते हैं इसे शेप। इसी के ऊपर थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा तिल, एक बादाम, और ये हमारा तिल भुग्गा तैयार, फर्स्ट क्लास। वंस अगेन
थोड़ा सा मिक्सचर लिया, गोल घुमाया, पैट इट अ लिटल, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा तिल, बादाम या काजू जो आपको पसंद है वो परफेक्ट। अब ऐसे ही पूरे के पूरे मिक्सचर को हम शेप दे देंगे। मज़ेदार है ये भी। और हमारा तिल भुग्गा, डन, सुपर, वेरी नाइस।